हमारे पिताजी का मर्डर हो गया था 24 तारीख को, जिसमें मुलजिमों को पुलिस ने पकड़ लिया था। तो अभी तक उनका चालान नहीं हो रहा है और हमको बार बार धमकाया जा रहा है। सुना आपने, हत्या को 1 हफ्ता हो गया और पुलिस हत्यारोपियों को थाने में बैठा कर रखी है, जेल नहीं भेज रही। पुलिस उल्टा मृतक के बेटे पर समझौता का दबाव बना रही है। और ये हाल सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रदेश का है, जहां दावा होता है अपराधियों के थर थर कांपने का, लेकिन असल में पुलिस का असली चेहरा क्या है वो इस बेटे से सुनिए, जिसके बाप की हत्या हो गई, लेकिन पुलिस हत्यारों का जेल भेजने की जगह उल्टा पीड़ित परिवार के साथ ही खेला कर रही है। मजबूर होकर मृतक का बेटा एसपी दफ्तर पहुंचा और रो रो कर इंसाफ की गुहार लगाई। सर, हमारे पिताजी का मर्डर हो गया था 24 तारीख को, जिसमें मुलजिमों को पुलिस ने पकड़ लिया था। तो अभी तक उनका चालान नहीं हो रहा है और हमको बार बार धमकाया जा रहा है। हमको पीड़ित कर रहे हैं सब लोग, हम लोग निकल नहीं पा रहे, देख रहे हो आप। हम लोग बच्चे लेकर यहाँ आए, सब पूरा परिवार साथ लेकर आए, बच्चे, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, 8 दिन हो गया। यही सब बोल सब यहाँ आवाज धमकी में रही कि अगर तुमने राजीनामा नहीं किया तो तुम लोग को भी मार दिया जाएगा। गणेश सिंह, उनका लड़का है पुष्पेंद्र सिंह, दोनों ने जी पिताजी ने हमारे हदबंदी कराई थी, उसमें जमीन हमारी निकली थी उनके थोड़ी खेत में, उसी वजह से इन लोगों ने पिताजी का हत्या की मर्डर किया है। आप लोगों थाने में शिकायत की? थाने में शिकायत की है, लिखित शिकायत भी दी थी और सीओ साहब भी गए थे, एसपी मैडम भी गई थी, पोस्टमार्टम भी हुआ है, सब हुआ, फिर भी आज तक मुलजिमों का चालान नहीं हुआ है। अभी एसपी मैडम को आई है एप्लीकेशन देने, शिकायत करने, सुनवाई नहीं हो रही। हम ये चाहते हैं कि मुलजिमों को जल्द से जल्द चालान किया जाए। क्यों पुलिस वहां थाने पे बैठा के रखती है? 1 हफ्ता हो गया है पूरा, और हमारे घर पे हम लोग इधर पोस्टमार्टम करा रहे थे सर, तो उधर सब बच्चे लोग लोग रख रहे थे हमारे घर पे। मुलजिम के कहने पर हमारे घर पे 2 घंटा पुलिस ने इंक्वायरी की और मुलजिम के घर पे एक भी बार नहीं इंक्वायरी हुई। वहां जाके पुलिस ने चाय नाश्ता किया, ये क्या है ये? दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद का, जहां 24 जुलाई की रात खरेला थाना इलाके के पाठा गांव में नायाब सिंह की हत्या हुई थी। हत्या का इल्जाम गणेश सिंह और पुष्पेंद्र सिंह पर आया था। मृतक के बेटे संजय सिंह के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन अभी तक आरोपियों को चालान कर उन्हें जेल नहीं भेज रही है। उल्टा पुलिस पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बना रही है। पुलिस की करतूत से तंग आकर मृतक के बेटे ने एसपी दफ्तर में इंसाफ की गुहार लगाई है। अब एसपी अपर्णा गुप्ता इस मामले पर क्या एक्शन लेती हैं, इसका इंतजार पीड़ित परिवार कर रहा है। लेकिन योगी सरकार में पुलिस के ऐसे रवैये से योगी के उस दावे पर सवाल खड़े होते हैं जो दावा योगी सरकार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।